हेलो फ्रेंड्स कैसे हो सब आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एरिथमेटिक मीन बहुत ही ध्यान से सुनना फ्रेंड्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि नॉर्मली फाउंडेशन के पेपर में प्रॉपर्टीज़ पे एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको कम से कम मिल ही जाएगा फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एरिथमेटिक मीन की इफ़ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर कॉन्स्टेंट से के देन अर्थमेटिक मीन विल ऑल्सो बी के मान लो मेरे पास एक सीरीज है एक्स जिसमें आपकी फाइव टर्म्स हैं और सारी की सारी सेम है कॉन्स्टेंट हैं सारी की सारी दस हैं तो अगर आप इस सीरीज का मीन निकालोगे तो वो भी आपका दस ही आएगा यही है मेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर सारी ऑब्जर्वेशन्स आपकी सेम हैं मान लो के हैं तो अर्थमेटिक मीन भी आपका के ही होगा क्लियर फ्रेंड्स चलते हैं अपनी सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ सेकेंड प्रॉपर्टी है द सम ऑफ डेविएशन ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम अर्थमैटिक मीन इज जीरो मान लो मेरे पास एक सीरीज दे रखी है एक्स इसमें ऑब्जर्वेशंस है मेरी वन टू तो, थ्री फोर फाइव पहले इस सीरीज का निकालो अर्थमैटिक मीन सिग्मा एक्स आया आपका फिफ्टीन तो आपका अर्थमेटिक मीन आया सिग्मा एक्स अपॉन एन यानी कि फिफ्टीन अपॉन फाइव इक्वल टू थ्री यह आया मेरा मीन अब निकालो डिफ्रेंस एक्स माइनस एक्स बार डेविएशन इस वर्ड का मतलब होता है डिफरेंस और यहाँ पे हमें डिफरेंस किससे निकालना है फ्रॉम एरिथमेटिक मीन यहाँ पे आपको डिफरेंस निकालना है मीन से निकालो डिफरेंस यानी कि आपको करना है एक्स माइनस थ्री क्योंकि मीन मेरा थ्री है निकालो माइनस टू माइनस वन ज़ीरो वन एंड टू अब करो इसकी टोटल तो वो टोटल आएगी आपकी ज़ीरो यही है मेरी सेकेंड प्रॉपर्टी मेरी सेकेंड प्रॉपर्टी है सम ऑफ डेविएशन यानी कि डिफरेंस किस से अर्थमेटिक मीन से तो इस डिफरेंस की टोटल आपकी ज़ीरो होगी ये है इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज तो अगर आपकी सीरीज डिस्क्रीट या कंटिन्यूस है उस कंडीशन में सिग्मा एफ इन एक्स माइनस एक्स बार आपका ज़ीरो होगा ये है हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी चलते हैं अपनी थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ थर्ड प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स हमारी कम्बाइंड मीन की जो हम ऑलरेडी अपनी कम्बाइंड मीन वाली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं शॉर्ट में देख लो वापस अगर हमारे पास दो सीरीज़ हैं फर्स्ट एंड सेकेंड और हमें दोनों सीरीज़ का अर्थमेटिक मीन दे रखा है फर्स्ट सीरीज का एक्स बार वन सेकेंड का एक्स बार टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस फर्स्ट सीरीज की एन वन की एन टू तो इन दो सीरीज के लिए कंबाइंड मीन क्या होगा फर्स्ट सीरीज का अर्थमैटिक मीन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन प्लस सेकेंड सीरीज का अर्थमैटिक मीन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय एन वन प्लस एन टू मान लो दो की जगह हमारे पास तीन सीरीज हैं तो उसमें आप ऐड कर दो प्लस एक्स बार थ्री एन प्लस एन अकॉर्डिंगली क्लियर फ्रेंड्स ये है हमारा कंबाइंड मीन का फॉर्मूला यही है हमारी थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ एरिथमेटिक मीन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है कंबाइंड मीन वाली क्लास का उसमें हमने कंबाइंड मीन को डिटेल से डिस्कस किया है चलते हैं अपनी फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है चेंज इन ओरिजन एंड चेंज इन स्केल बहुत ही ध्यान से सुनना फ्रेंड्स क्योंकि ये प्रॉपर्टी आपको अपने नेक्स्ट चैप्टर में क्योंकि ये मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन उसमें भी बहुत काम आने वाली है पहले समझते हैं कि चेंज इन औरजिन क्या होता है मान लो मेरे पास एक सीरीज दे रखी है एक्स उसमें पाँच है नंबर ऑफ आइटम्स वन टू थ्री फोर फाइव ये मेरी पाँच टर्म्स हैं ये निकालो सबसे पहले इस सीरीज़ का अर्थमेटिक मीन क्या आएगा अर्थमेटिक मीन एक्स सीरीज का आ गया मेरे पास थ्री मान लो मैंने एक नई सीरीज बनाई वाई एक्स सीरीज में दो ऐड करके मैंने वाई सीरीज़ बनाई वाई सीरीज़ क्या हुई थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन अब वाई सीरीज का मीन निकालो सिग्मा वाई आया आपका पच्चीस तो वाई बार हो गया ट्वेंटी फाइव डिवाइड बाई फाइव इज इक्वल टू फाइव ध्यान से देखो क्या चेंज आया अर्थमेटिक मीन में, में वाई सीरीज का अर्थमेटिक मीन दो से बढ़ गया आपने यहाँ ऊपर भी दो ही ऐड किया था आई बात समझ में तो मैं ये बोल सकती हूँ वाई बार इज़ इक्वल टू एक्स बार प्लस टू नई सीरीज़ का अर्थमेटिक मीन अब मान लो मैंने एक नई सीरीज़ बनाई z। एक्स सीरीज़ में से दो लेस करके तो z सीरीज़ क्या होगी मेरी माइनस वन ज़ीरो वन टू एंड थ्री अब ये निकालो Z सीरीज का अर्थमेटिक मीन क्या आएगा Z बार इज इक्वल टू फाइव अपॉन फाइव इज इक्वल टू वन अब यहाँ पे देखो कि चेंज क्या हो रहा है X सीरीज का मीन कितना था थ्री Z सीरीज का कितना है वन डिफरेंस कितना आया दो से लेस हो गया मीन और ऊपर भी आपने दो ही लेस किया था यानी कि मैं ये लिख सकती हूँ जेड बार इज इक्वल टू एक्स बार माइनस टू यही होता है चेंज इन ओरिजिन यानी कि एक पर्टिकुलर सीरीज में आप एक ही वैल्यू को ऐड कर रहे हो तो आपका अर्थोमैटिक मीन उतने से बढ़ जाएगा और लेस कर रहे हो तो अर्थोमैटिक मीन आपका उतने से ही कम हो जाएगा प्लस और माइनस अब देखते हैं चेंज इन स्केल क्या होता है मान लो मेरे पास है x सीरीज यही वन टू थ्री फोर फाइव मैंने एक नई सीरीज बनाई y x सीरीज को दो से मल्टीप्लाई करके टू फोर सिक्स एट एंड टेन ये आई मेरी वाई सीरीज़ मेरी एक्स सीरीज का मीन तो आएगा थ्री यहाँ पे हमने ऑलरेडी निकाल रखा है वाई सीरीज़ का मीन कितना आएगा थर्टी डिवाइड बाई फाइव इक्वल टू सिक्स यहाँ पे चेंज देखो आपने पूरी सीरीज़ को दो से मल्टीप्लाई किया था आपका अर्थामेटिक मीन भी डबल हो गया यानी मैं ये लिख सकती हूँ वाई बार इज इक्वल टू बी इन एक्स बार ये होता है मेरा चेंज इन स्केल कि आप पूरी सीरीज में अगर एक पर्टिकुलर आइटम को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो तो आपका अर्थबैटिक मीन भी उतने से ही मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाएगा क्लियर फ्रेंड्स चेंज इन ओरिजिन मेरा होता है प्लस और माइनस आप पूरी सीरीज में कोई एक पर्टिकुलर आइटम को ऐड करते हो या लेस करते हो एंड इट डायरेक्टली अफेक्ट्स अर्थमैटिक मीन इक्वेशन आपकी बनेगी वाई बार इज इक्वल टू ए प्लस एक्स बार चेंज इन स्केल आप पूरी सीरीज में एक पर्टिकुलर आइटम को मल्टीप्लाई करते हो और डिवाइड करते हो इट ऑल्सो डायरेक्टली अफेक्ट्स अर्थमैटिक मीन तो आपका अर्थमेटिक मीन भी उतनी ही वैल्यू से या तो मल्टीप्लाई हो जाएगा या डिवाइड हो जाएगा ओरिजिन यानी कि प्लस माइनस एंड स्केल यानी कि मल्टीप्लाई और डिवाइड एंड दोनों ही कंडीशन में आपका मेन डायरेक्टली अफेक्ट होगा यानी कि दोनों को मिला के मेरी इक्वेशन बनती है वाई बार इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स बार ए फॉर ओरिजिन एंड बी इज फॉर चेंज इन स्केल क्लियर फ्रेंड्स एग्जाम्पल से देखते हैं मान लो आपको x सीरीज़ का अर्थमेटिक मीन दे रखा है थ्री आपने एक नई सीरीज़ बनाई y x सीरीज में फोर ऐड करके तो मैंने पूछा y सीरीज का अर्थेमेटिक मीन क्या होगा तो सॉल्यूशन क्या होगा हमें पता है y बार इज इक्वल टू ए प्लस एक्स बार वाई बार इज इक्वल टू ए यहाँ पर आपका फोर है आपने फोर ऐड किया है पूरी सीरीज़ में x बार है आपका थ्री यानी कि आपका y सीरीज का अर्थमेटिक मीन कितना आया सेवन क्लियर फ्रेंड्स अब करते हैं एक चेंज इन स्केल का एग्जाम्पल मान लो एक्स सीरीज है उसका अर्थेमैटिक मीन है थ्री वाई सीरीज कंस्ट्रक्ट की एक्स सीरीज में दो की मल्टीप्लाई करके तो मैंने पूछा वाई का अर्थमैटिक मीन कितना होगा सोल्यूशन वाई बार इज इक्वल टू बी एक्स बार यहाँ पे हमारा बी है टू एंड एक्स बार है थ्री तो आपका वाई सीरीज का अर्थमेटिक मीन कितना आया सिक्स अगर आपने पूरी सीरीज में टू मल्टीप्लाई किया है तो अर्थमेटिक मीन भी आपका डबल हो जाएगा फ्लियर फ्रेंड्स चेंज इन ओरिजिन एंड चेंज इन स्केल ये प्रॉपर्टी हमें आगे बहुत काम आने वाली है अब देखते हैं एग्जाम में और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस प्रॉपर्टी पे एग्जाम्पल नंबर वन मान लो आपका एक्स सीरीज का अर्थमेटिक मीन है दस y सीरीज कंस्ट्रक्ट की x सीरीज में फोर एड करके तो y सीरीज का अर्थमैटिक मीन कितना होगा सोल्यूशन हम जानते हैं y बार इज इक्वल टू ए प्लस एक्स बार y बार इज इक्वल टू फोर प्लस टेन तो हमारा y सीरीज का अर्थमैटिक मीन हुआ फोर्टीन क्लियर फ्रेंड्स सेकेंड क्वेश्चन x बार इज इक्वल टू टेन y इज इक्वल टू फाइव एक्स तो आपका y बार कितना होगा अरे मैम बच्चों वाला क्वेश्चन है सोल्यूशन वाई बार इज इक्वल टू फाइव इन टू एक्स बार वाई बार इज इक्वल टू फाइव मल्टीप्लाइड बाई टेन यानी कि फिफ्टी हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन वाई इज इक्वल टू थ्री प्लस टू एक्स एक्स बार इज इक्वल टू ट्वेंटी तो वाई बार कितना होगा सोल्यूशन हम जानते हैं वाई बार इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स बार तो हमारा वाई बार होगा टू इंटू एक्स बार वाई बार इज इक्वल टू थ्री प्लस टू मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी तो मेरा y बार आया फोर्टी थ्री ये जो इक्वेशन है इसमें मैंने x बार की वैल्यू पुट कर दी तो मेरा आ गया y सीरीज का मीन नेक्स्ट एग्जांपल y सीरीज इज इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री एक्स बार टेन है तो y बार कितना होगा y bar हो गया टू एक्स बार माइनस थ्री यानी कि टू मल्टीप्लाइड माइनस थ्री ट्वेंटी माइनस थ्री सेवनटीन आ गया आपका वाई सीरीज का अर्थमैटिक मीन नेक्स्ट एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर फाइव मान लो टू एक्स प्लस फाइव वाई इज इक्वल टू फिफ्टीन एक्स बार इज इक्वल टू फाइव तो वाई बार कितना होगा सबसे पहले तो सबसे पहले क्वेश्चन में y की वैल्यू निकाल लो वो कैसे निकालेंगे क्वेश्चन में ये इक्वेशन दे रखी है वाई की वैल्यू कितनी होगी फिफ्टीन माइनस टू एक्स वाई इज इक्वल टू फिफ्टीन माइनस टू एक्स डिवाइड फाइव यानी वाई की वैल्यू हुई फिफ्टीन अपॉन फाइव माइनस टू अपॉन फाइव एक्स इसे हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं वाई इज इक्वल टू थ्री माइनस टू अपॉन फाइव एक्स यहाँ पे थ्री आपका रिप्रेजेंट कर रहा है ओरिजिन को और माइनस टू अपॉन फाइव इज चेंज इन स्केल अब एक्स बार की वैल्यू पुट कर दो तो आपके पास आ जाएगी वाई बार की वैल्यू थ्री माइनस टू अपॉन फाइव मल्टीप्लाइड बाई फाइव तो आपका वाई सीरीज का अर्थमेटिक मीन आया थ्री माइनस टू यानी कि वन क्लियर फ्रेंड्स अगर आपके पास क्वेश्चन इक्वेशन की फॉर्म में है तो डरने की जरूरत नहीं है सबसे पहले आप निकाल लो y की वैल्यू क्या होगी अब हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स जब हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई तो आप x सीरीज के मीन की वैल्यू पुट कर दो x बार की वैल्यू पुट करते ही हमारे पास क्या आ जाएगी y बार की वैल्यू यहाँ होती है हमारी चारों प्रॉपर्टीज खत्म इसके अलावा कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ऑन मीन मोड एंड मीडियन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन एंड मोड जो कि हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे टेक केयर एवरी वन बाय बाय